Hello students, how are you all? I hope you all are doing really good. So today we are going to read a chapter named Bonds of Love. So let's start the chapter. A strong family is well knit and selfless. All members stand for one another. Read how the bond of love are strengthened in the family described here. बच्चों फैमिली के बारे में कहा जाता है क्या होता है, वो एक दूसरे की केयर करते हैं और उनके क्या होते हैं, एक दूसरे की जब वो केयर करते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं तो वो आपस में क्या हो जाता है, एक तरह का बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को इस चैप्टर के थ्रू दिखाया गया है। द बैकयार्ड विद वॉल्स कवर्ड विद क्लाइंबर्स मनी प्लांट एंड बोगनविलास द फ्लावर बेड्स ब्लूमिंग विद सीजनल फ्लावर्स मिंट एंड कोरिएंडर लीव्स प्रोवाइडेड अ परफेक्ट प्लेस फॉर द वाइट स्ट्रिप्ड टाइगर लाइक कैट टू मेक इट इट्स अबॉर्ड द वाइट फेलाइन विद ग्रे स्ट्राइप्स एंड अ स्प्रे ऑफ गोल्डन कलर रिजेंबल इट्स पावरफुल कुजिन इन एवरी एस्पेक्ट। एक बच्चा है वो बता रहा है कि मेरे बैकयार्ड में ना बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और वो बताता है कि बोगनविला भी लगा हुआ है, बहुत सारे क्रीपी प्लांट्स जो होते हैं ना, जो बेले होती हैं वो, उनके बारे में बता रहा है कि वो लगी हुई है, मनी प्लांट की बेले उसमें लगी हुई है। फिर वो बताता है कि वहाँ पे ना उसके बैकयार्ड में एक बिल्ली है, वो वहाँ पे डेली आती जाती है और वो बिल्ली का वो डिस्क्रिप्शन बताता है, वो बिल्ली ऐसी है, वो छोटी एक टाइगर की तरह लगती है, क्यों, क्योंकि वो वाइट है और उसमें ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स है। इन द ब्राइट स्टिल आफ्टरनून इट वुड वॉक मैजेस्टिकली on the boundary's wall looking around for any solitary bird then it would jump on the tin roof of the shed the hot metal would force her to make a hasty retreat and the cat would leap back in the bed of creepers which had a variety of gourds and then disappear behind the thick फॉलिएज नियर द वॉल। अब वो बच्चा बताता है कि जब वो उस बिल्ली को खेलता हुआ देखता है वहाँ पे तो फिर वो बड़ा उसको उत्साह होता है कि बिल्ली इधर से उधर भाग रही होती है, कभी बेलों के पीछे छुपती है, कभी प्लांट्स के पीछे छुपती है, तो इधर उधर क्या करती है, एक दूसरी तरह से खेल कूद करती है। ठीक है, वॉचिंग द कैट एंड इट्स प्रैंक ऑन रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल हैड बिकम अ रेगुलर हैबिट शोमित चेंज योर यूनिफॉर्म द कैट कैन वेट वॉज मॉम्स रेगुलर इनकैंटेशन फॉर Some days the cat couldn't be seen. Has she changed her house? Gone off to Suhail's house? Suhail always wanted to know more about this cat of mine. Mine? I couldn't call it mine because I never made an effort to care for it or provide her with any other comfort. But I missed her presence. Now I realize how much she meant to me. अब वो अपने स्कूल से आता है तो उसके प्रैंक्स, जो कैट है उसके प्रैंक्स वो दिखता रहता है, उसे बहुत खुशी होती है, वो इतना खो जाता है कि उसकी मम्मी उसे कहती है भाई अपने यूनिफॉर्म तो चेंज कर लो। एक बार क्या हुआ, बिल्ली उसे बहुत दिनों तक नहीं दिखी तो फिर उसने सोचा कि कहीं वो मेरे पड़ोसी के घर तो नहीं चलेगी, क्या उसको शायद खाना देता हो तो वो वहीं रहती हो, और फिर वो सोचा था वो कैट तो मेरी है तो भला वो पड़ोसी के घर कैसे चलेगी, फिर वो सोचता कैट मेरी कैसे हुई, मैंने तो कभी उसे खाना दिया ही नहीं तो मैं उसे अपनी कैसे कह सकता हूँ। ठीक है, वो ऐसा सोचता रहता है अपने दिमाग में। वन आफ्टरनून व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल आई वॉज ओवरजॉयड टू सी माई कैट विद टू किटन्स वन वॉज एग्जैक्टली लाइक द मदर कैट वाइल प्लम्प एंड क्यूट विद स्ट्रीक्स ऑफ ग्रे एंड गोल्ड वाइल द सेकेंड किटन वॉज ब्लैक विद नो अदर कलर इट वॉज एज ब्लैक एज कोल विद स्पार्कलिंग ग्रीन आईज द कैट एंड हर किटन्स हैड मेड माई backyard their home mummy kept a cot for them all three of them played various games on the cot the cat fondled and cuddled them how they jumped on and over their mom tried to outdo each other in getting their mom's love and milk अब वो बताता है, बच्चा बताता है कि उसकी जो कैट है ना, जो उसके बैकयार्ड में घूमती थी, वो उसको कुछ दिन तक नजर नहीं आई लेकिन कुछ टाइम बाद वो उसको नजर आई, उसके साथ क्या थे, उसके दो बच्चे और थे। तो वो उनको डिस्क्राइब करता है कि एक बच्चा तो बिल्कुल अपनी मम्मा पे गया है, उसका क्या है, वो वाइट है लेकिन उसके बॉडी पे क्या है, स्ट्राइप्स है ब्लैक कलर की। ठीक है, दूसरे बच्चे के बारे में बताता है कि उस वो कैसा है, वो ब्लैक कलर का ही है जैसे एक कोयला होता है, बिल्कुल जेट ब्लैक, लेकिन उसकी आईज कैसी हैं, ग्रीन है। ठीक है, अब उसकी मम्मी क्या करती है, वहाँ पे बैकयार्ड में ना चारपाई लगा के रखती है, उस चारपाई में वो तीनों माँ बच्चे आपस में खेल रहे होते हैं, वहीं पे वो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। शोमिट डोंट गो नियर द कैट लेट हर फीड द लिटिल वन यस द लिटिल वंस दे लुक्ड एग्जैक्टली लाइक माई लिटिल ब्रदर
whom mom feed the whole day. ठीक है, अब वो उसके कैट के पास जाना चाहता है, लेकिन उसकी मम्मा जो होती है उसको रोक लेती है कि भाई उनके पास मत जाओ, नहीं तो कैट क्या होगी, कैट भाग जाएगी, वो अपने बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देगी. तो फिर वो सोचता है अच्छा इसके बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, जैसे मेरा छोटा भाई है. पापा द किटन्स वर लुकिंग आउट फॉर यू, दे वॉन्ट यू टू कम एंड प्ले विद देम, आई सेड ईगरली. पापा स्माइल्ड एंड गॉट अ बोल ऑफ मिल्क फॉर द कैट. इट वॉज पार्टी टाइम फॉर देम. Three of them finished the milk within a blink of an eye. Thrice a day the bowl was filled. The cat and the kittens were no more afraid of us. The white kitten was healthy, but the black one did not grow much. Most of the time I found it lying quietly. The white kitten, whom I called Witty, was always coaxing the black kitty to play. Half-heartedly it would get up, but it was लिस्टलेस. ठीक है, अब वो अपने पापा को बोलता है पापा आपको ना वो कैट बुला रही है. तो उसके पापा भी हंसते हुए जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, उस कैट के लिए एक बोल ऑफ मिल्क वहाँ पे रख देते हैं. फिर तीनों माँ बेटे जो क्या करते हैं उस बोल को, मतलब वो मिल्क को पी जाते हैं. मतलब माँ बेटे मतलब वो बिल्ली और उसके बच्चे क्या करते हैं उस मिल्क को पी जाते हैं. फिर वो आसपास वहीं पे खेल रहे होते हैं और ये देख के उस बच्चे को बहुत क्या होती है, खुशी होती है. अब वो बताता है कि बिल्ली का एक बच्चा जो क्या है, जिसकी बॉडी में स्ट्राइप्स हैं, वो तो हेल्दी है, लेकिन दूसरा बच्चा जो ब्लैक कलर का वो क्या है, थोड़ा सा वीक है, कमज़ोर है, तो वो ज़्यादा खेलता वेलता नहीं, वो बस एक जगह पर पड़ा रहता है. हालांकि उसका दूसरा भाई जो है वो क्या करता है, वो उसको अपने पास खेलने के लिए बुलाता है, लेकिन वो खेलता है और फिर जा करके वो वापस लेट जाता है. आई थिंक द ब्लैक वन इज वीक एंड सिक, विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, सेड पापा. आई डोंट वॉन्ट द किटन टू डाई इन माई हाउस. मम्मी एक्सप्रेस हर एंग्विश. कैन वी टेक इट टू द वेटरनरी डॉक्टर, आस्क सुमेल. आई हैव थॉट ऑफ समथिंग एल्स, सेड पाप ग्रेवली. ठीक है, अब उनके पापा कहते हैं कि भाई मुझे तो लगता है ये जो बिल्ली का बच्चा है जो खेलता नहीं है, वो शायद बीमार है, शायद वीक है, हमें इसको किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये मर जाएगा. तो इसकी मम्मी कहती है कि नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारे बैकयार्ड में या हमारे घर के पास कोई बिल्ली का बच्चा मरे. ठीक है, तो फिर वो उसके पापा सोचते हैं कि चलो मेरे पास कुछ दूसरा प्लान है, मैं कुछ और इनके बारे में सोचता हूँ कि क्या करना चाहिए. नेक्स्ट डे अ ह्यूज ट्रक विद फोर मैन स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस. द येलो ट्रक विद अ मेस्ट डोर हैड प्यूपल फॉर एनिमल्स PFA पेंटेड ऑन इट. प्यूपल फॉर एनिमल हैड बीन कॉल्ड इन सो दैट दे कुड टेक अवे द कैट एंड हर किटन्स. ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, उस बच्चे ने देखा एक बड़ा सा ट्रक आया था और उनके एरिया में आगे वहीं पर रुक गया. उसमें क्या लिखा हुआ था, PFA लिखा हुआ था, प्यूपल फॉर एनिमल, मतलब जो एनिमल्स की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. ठीक है, वो वहाँ पर रुके, उसमें से लोग उतरे और वो किसको लेने आए थे, उन कैट को, उसके बच्चों को लेने के लिए आए थे. A tall man with a stubble jumped out of the truck first, followed by a short, plump, friendly looking lad of 20 with a trap made of thin iron rods. ठीक है, अब उनके हाथ में क्या था, आयरन रॉड्स थी और वो वहाँ पे बिल्ली के बच्चे को पकड़ने के लिए आए थे. कितने लोग थे, दो तीन लोग थे जो बिल्ली और बिल्ली के बच्चों को पकड़ने के लिए आए थे. Sham, keep this trap in the backyard, call out the tall fellow. Then turning to my papa, he said, sir, arrange for a saucer of milk. अब उसमें से एक आदमी था, उसने कहा शाम, मतलब अपने फ्रेंड को या अपने किसी आदमी को उसने बोला कि भाई तुम वहाँ पे क्या लगा दो, एक पिंजरा लगा दो. और उसने मेरे पापा से आके, ऐसा बच्चा बोल रहा है कि मेरे पापा को आकर उसने कहा कि सर आप ना यहाँ पे एक बोल ऑफ मिल्क रख दो. Dad filled the bowl kept especially for Kitty and Witty with milk. As he kept it in trap, his face was grim. He was thoughtful. Is it for the last time? His expressions seemed to say. Shyam opened the door of that iron cage called trap. Then both of the men moved out back to the truck. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक पिंजरा लगाया, पिंजरे के अंदर उन्होंने क्या रखा, उन्होंने वो जो बोल था मिल्क का वो उन्होंने रख दिया, एक तरह से ट्रैप बना दिया, पिंजरा बना दिया कि भाई बिल्ली आएगी और हम क्या करेंगे, उसको पकड़ लेंगे इस पिंजरे में. और वो पीछे जाकर खड़े हो गए. हालांकि उनके जो फादर थे वो बहुत दुखी थे, मतलब वो सैड थे कि क्या मैं उनको आखिरी बार दूर पिला रहा हूँ, क्या इसके बाद में उन्हें नहीं देख पाऊंगा. नाउ देर वॉज नो वन एल्स इन द बैकयार्ड एक्सेप्ट द कैट एंड हर किटन. द इन एनिमेट आयरन केज बिग इनफ टू हाउस ऑल द थ्री stood quietly with its door open with the bowl of milk waiting for the unassuming cat family. अब वो आगे बताता कि वहाँ बैकयार्ड में कोई भी नहीं था, सब छुप गए थे, क्योंकि कैट अगर
अननोन पर्सन को देख लेते तो फिर वो पिंजरे के अंदर नहीं जाती, तो फिर वो सब क्या हो गए, वहाँ इधर उधर छुप गए और कैट के पिंजरे में आने का वेट करने लगे। किटी वॉज स्लजेस एंड अपीयर टू बी लाइफलेस। इट गॉट अप एंड मूव्ड इनसाइड द केज, लिक्ड द मिल्क एंड लेथार्जिकली सैट इन द केज। एज इट वॉज अनवेल द मिल्क टू डिडंट ब्रिंग एनी चीयर। ठीक है, अब वो किटी जो थी वो वहां पे आई तो सही, लेकिन वो क्या हुआ, उसने वो मिल्क देखा भी और पिंजरे के अंदर गई भी और उसके अंदर जाकर बैठ गई, लेकिन उसने उस मिल्क को पिया नहीं। द अगाइल एंड अलर्ट विटी केम स्प्रिंटिंग इन। इट डिड नॉट लुक एट द मिल्क बट वेंट स्ट्रेट टू किटी, विस्पर्ड समथिंग इन इट्स ईयर। किटी दो इनफॉर्म एंड फ्रेल गॉट अप एट वंस एंड वॉक्ड आउट ऑफ द केज। ठीक है, अब उसको देख के दूसरी बिल्ली भी आई और उसने थोड़ा सा उसको क्या लगा, कुछ अनयूजुअल लगा, तो उसने उसको उसके कान में कुछ कहा और उसको भी बाहर आने के लिए कह दिया कि भाई यहाँ से चलो, यहाँ पे मत रहो, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। द कैट अपीयर टू बी अ टाइग्रेस विद इट्स कब। थ्री ऑफ देम सैट अंडर द कॉट अलर्ट एंड डिफेंसिव। The two men sat sipping tea but later only yawning. 2 hours had passed by but no one had moved. Shomit, what else does your cat like? It doesn't appear to be interested in the milk, called out the tall man. I think it likes my family and my kitchen garden, I said anxiously. Out of nowhere a huge tomcat appeared, wagging its tail. It purred. The two men were taken aback. ठीक है, अब वो जो आदमी थे वो वेट कर रहे थे वहाँ पे बैठ के चाय पी रहे थे कि भाई कब जो बिल्ली है और उसके बच्चे हैं वो कब पिंजरे के अंदर जाए और कब हम उन्हें पकड़े, लेकिन बिल्ली ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो कहाँ जाके बैठ गई, वो चारपाई के नीचे जाके बैठ गई और बिल्कुल डिफेंसिव मोड में बैठ गई कि भाई कोई आएगा तो मैं उस पर क्या करूँगी, अटैक करूँगी। तो वो जो उसको पकड़ने वाले आए थे वो उससे पूछते हैं, शोमित से पूछते हैं, भाई तुम्हारी कैट को क्या पसंद है। उसके अलावा उनको लगा कि अगर इनको बिल्ली को दूध नहीं पसंद तो उसकी जगह हम कुछ और रख देते हैं, हम ब्रेड के टुकड़े रख देते हैं, बिस्किट रख देते हैं, अगर उसको बिल्ली को अगर मिल्क नहीं पसंद तो उसकी जगह उसने सोचा कि हम कुछ और चीज़ रख देते हैं, बिल्ली उस पर आएगी खाएगी और हम उसे पकड़ लेंगे। लेकिन शोमित ने कहा कि भाई बिल्ली को हमारी फैमिली पसंद है, उसे हमारे बैकयार्ड में रहना पसंद है। इतने में वो बताता है कि एक बड़ा सा मोटा सा एक कैट आता है जिसका नाम है टॉम, वो वहाँ आ जाता है अपनी दुम हिलाता हुआ। The two men got up, took out the bowl of milk and kept it outside. Then they picked up their cage and marched off. ठीक है, उस बिल्ली ने उन दोनों आदमियों को डराया, उन आदमियों ने क्या किया, उस मिल्क को वहां से हटाया, अपना केज उठाया, पिंजरा उठाया, वहां से भाग गए। This is a very well knit family, announced mom. All the three were busy lapping up the same milk which was lying in front of them in the open cage for 2 long hours while the tomcat stood guarding them. Witty took special care of Kitty and allowed it to stay longer with their mom. It soon became healthy and playful. I was glad that the mission trap cat had failed. In my backyard these cats continued to play. Rats of all types keep away. Watch all threesome look awesome. I often wonder what must have Witty whispered Nitty's ear. Caring and sharing indeed make a family strong. ठीक है, अब जब वो लोग भाग गए तो फिर क्या हुआ, वो कैट जो थी वो कॉट से निकल के जो जारपे के नीचे छुप गई थी वहां से निकल के बाहर आई, उन्होंने वही दूध पिया जो कहाँ रखा गया था, पिंजरे में रखा गया था। पहले तो उन्होंने उस दूध को पीने से मना कर दिया था क्योंकि उन्हें क्या लग रहा था, कुछ अनयूजुअल लग रहा था, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा लग रहा था। लेकिन फिर उनको लगा कि चलो वो केज हट गई है, अब क्या है वहां से पिंजरा चला गया, वो लोग भी चले गए, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने उसी मिल्क को पिया। बच्चों जो जानवर होते हैं ना वो जो डेंजर होता है उसे क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं, तो वही उन्होंने भी क्या किया, कैट ने भी सेंस कर लिया था कि भाई जो लोग हैं वो हमें पकड़ने आए हैं तो हमें इस पिंजरे के अंदर नहीं जाना। ठीक है, अब वो बच्चा भी समझ गया था कि भाई यही क्या है, इनका घर है, जो हमारा बैकयार्ड है यही इनका घर है, यही इनका परिवार है, इन्हें यही रहना चाहिए। अब बिल्ली क्या होती है, रैट्स की दुश्मन होती है, तो उसने ऐसा सोचा कि चलो हमारे बैकयार्ड में कम से कम चूहे तो इनसे दूर रहेंगे, हमारे बैकयार्ड से भी दूर रहेंगे और बिल्लियों से भी दूर रहेंगे, तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो ये फायदा ही है। ठीक है, अब वो जो छोटा सा जो बिल्ला था, जो छोटा बिल्ला था, वो अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, ठीक होने लग गया, क्योंकि उसको उस तरह की केयर मिलने लग गई थी, वो भी खुश रहने लग गया था और उनकी फैमिली वहाँ हैप्पीली रहने लगी। तो बच्चों आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसकी एक्सरसाइज जो दी गई है उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।